एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेकर आकांक्षा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी दोपहर का 3 बज गया है लगभग, और मैं तो नॉर्मल हूँ, बहुत प्यास नहीं लगी है, पर एक बहुत बुरी ट्रेजिडी हो गई थी आज मेरे साथ, जिसके कारण थोड़ा सा हल्का हल्का ना हेडेक शुरू हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने अगस्त्य को स्कूल भेजा, उसके बाद मैं सोची कि अपने कुछ ज्वेलरी पहन लेते हैं, तो मैं कुछ ढूंढ रही थी और मेरे को वो नहीं मिला, काफ़ी टाइम तक नहीं मिला। तो और वो मैंने बहुत पहले पहना था, तो मतलब मैं लिटरली बताऊँ आपको, 2-2.5 घंटे तक मैं कंटिन्यूसली उसको ढूंढती रही हूँ, इस अलमारी में, उस अलमारी में, पूरे ड्रेसिंग टेबल पे, हर जगह पर। फाइनली जब वो मिल गया तब थोड़ी सी राहत आई, और उस टाइम मेरे को कुछ भी वो नहीं था कि मेरे को व्लॉग करना है या फिर क्या करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने सोचा था कि थोड़ा सा आज खाना वाना खुद के हाथों से बनाएंगे, पर अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले तो नेल पेंट लगाऊंगी, आलता भी लगाऊंगी, और उसके बाद किचन जाऊंगी। किचन में मैं सोचा है आज बनाऊंगी मलाई कोफ्ते और मूंग दाल का हलवा, और जब शाम को ज्योति आएंगी तो उनसे एक सूखी सब्जी बनवा लूंगी और रोटी सिकवा लूंगी। तो बस ऐसे करके थोड़ा मिला जुला के अच्छा सा एक डिनर प्लान करेंगे घर पे। तो और पूजा की जो तैयारी थी वो भी मुझे करनी है, मैं लिटरली कुछ भी नहीं कर पाई हूँ सुबह से, क्योंकि उसमें काफ़ी दिमाग लगा रहा। तो चलिए चलते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तभी हो पाएगा। तो ये है मेरा करवा चौथ का थाली, छन्नी, लोटा, ग्लास वाला सेट, ये कुछ ऐसा है, येलो और रेड के कॉम्बिनेशन में ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने बहुत ढूंढ के मंगवाया था 2-3 साल पहले, ये जब से चल रहा है और ये अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो है पूजा के लिए फूल, और इसमें है सुंदर से गजरी, ये गजरे में ही लाल गुलाब लगा है क्या इसने लगा दिया? ऐसे बना के रखे थे, 2 टाइप के थे, एक 40 का, ये 60 के। इसमें ये वाला बहुत बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, ये फूल दूसरा है, रू वाला दूसरा था सफेद फूल। अच्छा, बाकी उसमें भी कुछ और इसमें है रेड रोज, और इसमें है माला, ये पूजा उजा का, दो माला होंगी करवा का ही वो सेट बना के देते हैं ना। और ये कलर्स के लिए आम पत्ता है, ये बहुत मुश्किल से मिला है, क्या आम पत्ता नहीं मिल रहा था कहीं, ये जागेश्वर से लाया हूं। ये इसमें क्या है, काजू कतली, लड्डू, अच्छा सॉरी लड्डू, और नीचे काजू। इतना सारा मिठाई क्यों ले आया है भाई, इतना सारा कहाँ, आधा आधा किलो है ये है। अच्छा बॉक्स नीचे 1 किलो का दे दिया, क्या गलती से कंफ्यूजन है? तो आपको रेट से पता नहीं चला कि 1 किलो का पैसा ले रहा है कि आधा किलो का पैसा ले रहा है? पैसा आधा किलो का लिया है। हाँ तो आधा किलो दिया होगा, इतना कोई नहीं है वो। उठाओ तो डब्बा दिखाओ, बड़ा लग रहा है इसलिए। हाँ आधा किलो पतला है, हाँ, तो वही तो मैं बोला कि रेट तो मुझे पता, इस पे रेट तो नहीं लिखा है, पर डब्बा स्लिम। तो ये सारा हो गया, ये फल हो गए, और अब मैं जा रही हूँ हलवा बनाने। हलवा बनाऊंगी, और ये भी हाँ, यहाँ दो रेड रोज आ गए हैं, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है पता है यहाँ पे, फ्लावर फ्लावर की। और आज हम स्पेशल डिनर अरेंज करेंगे अपने लिए खुद ही स्पेशल डिनर अरेंज कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने अच्छे अच्छे ये कटलरी निकाली है, और इसमें देखो क्या है, आज तो खुला ही नहीं है। कैंडल, तो जी आज है एक बहुत ही स्पेशल दिन। तो आज के दिन कोशिश करेंगे कि पूरा 16 श्रृंगार करें। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया अपनी बिछिया बदलने से। तो मैं जो बिछिया एक पहनी थी ना, वो काफ़ी टाइम से पहनी, तो वो बिल्कुल उंगली में जम ही गई थी, और नई बिछिया कहीं एडजस्ट ही नहीं हो पा रही थी, पर फाइनली ये एडजस्ट हो गई, तो मैंने 3 बिछिया पहनी है। और उसके बाद आ गया नेल पेंट लगाने का समय। मैंने सब कुछ सोच के रखा था कि आज सुबह से धीरे धीरे करती रहूँगी तो समय भी कट जाएगा, पर इतनी मतलब ऐसा कुछ हो गया कि फिर बिल्कुल सब कुछ अब मेरे को हड़बड़ में ही करना पड़ रहा है, क्योंकि 2-2.5 घंटे आज दिन का मेरा प्रॉपर बर्बाद हो गया है। तो मैंने सब कुछ रेड ही रखा है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं कुछ कॉन्ट्रास्ट कलर की नेल पेंट लगा सकती थी, पर मेरा मन किया कि रेड एक ऐसा कलर है जो हमेशा नहीं यूज़ कर पाती हूँ, तो आज यूज़ कर लेती हूँ। और फिर आ गई आलता की बारी, और ये देखो मैंने जो खुद ईयरबड से पैरों में मेहंदी लगाई थी वो भी काफ़ी अच्छी आरियादी फ्लावर बन के आ गई है। तो ये मूंग दाल तो मैंने भिगा के रखा है, अब इसको पीस लेंगे, और ये बिल्कुल अच्छे से भीग गया है, और फिर बनाते हैं।
तो मेरा नेल पेंट सूख गया, उसके बाद मैं लग गई किचन में, क्योंकि धीरे धीरे किचन का भी काम समेटते जाएं, क्योंकि जो सोचा है वो तो करना ही है। और मैंने सोच रखा था कि मूंग दाल का हलवा और कोफ्ते बनाऊंगी, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है ना अपने हाथ से बनाओ, त्यौहार के दिन एक यही सब तो करने का रहता है यार, नहीं तो फिर करेंगे क्या। तो मैंने इस तरह से सबसे पहले जो भिगाया था ना मूंग दाल, उसको मिक्सी में डाला, उसको पीसा और फिर उसको घी में अच्छे से भुनाई करेंगे उसकी। और यहाँ पे मैंने मेजरमेंट के लिए ये वाली कटोरी यूज़ की है, तो इसी कटोरी में एक कटोरी मूंग दाल लिया था, इसी में एक कटोरी शक्कर लेंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लेंगे और इसको मैंने ये देखिए पीस लिया है। मेजरमेंट ना बिल्कुल सेम है मूंग दाल के हलवे की, एक कटोरी दाल, एक कटोरी शक्कर और लगभग एक ही कटोरी घी और एक कटोरी ही पानी, ये इसका मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट से आप बनाना ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए एक ट्रिक यूज़ किया है जो कि मैंने यूट्यूब से ही देखा है। तो इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच ही सूजी, इससे हलवे का टेक्सचर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। बेसन तो मैं कई बार ना सूजी के हलवे में भी डाल देती हूँ, तो उससे थोड़ी सी बाइंडिंग सी आ जाती है, तो बहुत अच्छा हो जाता है उसका टेक्सचर। तो चलिए सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई कर रहे हैं उसको निकाल लेते हैं और फिर यही डालेंगे, बेसन और सूजी को घी में डाल के इसको भून लेंगे और उसके बाद जो हमने मूंग दाल का पेस्ट बनाया है वो पेस्ट डालेंगे। क्या क्या है मेनू में? मूंग दाल का हलवा है, मलाई कोफ्ते हैं, आलू गोभी की सूखी वाली जो सब्जी होती है वो बनेगी, तो जब आप शुरू में अपने मूंग दाल का पेस्ट कढ़ाई में डालोगे तो वो काफी चिपकेगा, मेरे साथ भी यही हो रहा था, काफी चिपक रहा था, पर जैसे जैसे मैं इसमें घी ऐड करती गई और इसको और फ्राई करते गए ये काफ़ी अच्छा सा हो गया। बिल्कुल देखिए अब कोई इसमें चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल भी ये पैन से चिपक नहीं रहा है। आप इसके लिए कोशिश करिएगा कि नॉन स्टिक पैन यूज़ कर लीजिएगा तो उसमें चिपकने वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इस स्टेज पे आके ना आपको पता ही चल जाएगा कि ये बिल्कुल अच्छे से भुन गया, मतलब इसको 30 मिनट तो आराम से लगेगा धीरे धीरे भुनने के लिए। तो मेरा मूंग दाल का हलवा हो ही रहा है, साथ साथ मैं कोफ्ते की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं कोफ्ते बनाऊँगी पनीर और आलू के, आपको दोनों के प्रोपोर्शन लगभग बराबर ही रखना है, बराबर आलू बराबर पनीर, और इनके बॉल्स बनाने हैं कॉर्नफ्लोर की हेल्प से। और उसमें आप थोड़े से स्पाइसेस डाल सकते हो जैसे कि जीरा पाउडर हो गया और जो भी आपको हल्का फुल्का ब्लैक पेपर डालना हो डाल सकते हो, नमक डालोगे, हरी मिर्ची काट के डाल सकते हो, और फिर उसके बॉल्स बना बना के हमको फ्राई करना है। तो हमारा मूंग जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी जो शक्कर पानी, ये सबको हल्का सा गर्म करके, शक्कर मतलब सिर्फ उतना ही गर्म करना है जितना पानी में पिघल जाए, मतलब सॉरी पानी सिर्फ उतनी गर्म करनी जितने में शक्कर पिघल जाए। और उसमें थोड़ा सा केसर डाल दिया था मैंने, इलायची पाउडर डाल दिया था, और उसको उसमें मिक्स कर देना है। बस प्रोपोर्शन ध्यान रखिएगा, एक कटोरी मूंग तो एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी ही पानी और लगभग एक कटोरी ही घी, उसके बाद आपका मूंग दाल का हलवा रेडी हो जाएगा। आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा हलवा गड़बड़ हो गया था क्योंकि ना मुझे जो लगता है कि ये ओवर फ्राई हो गया था, लास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया था ये। तो जब तक आपके उसमें ना एक बाइंडिंग सी समझ में आएगी तो उतनी देर में ही आपको पानी ऐड कर देना है। अब इधर फटाफट बना लेते हैं कोफ्ते, क्योंकि अब मेरे को लिटरली प्यास लगने लगी थी, क्योंकि जब आप एक बार किचन में काम करोगे ना तो आप थको ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ये वाला कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है, इसको इसमें थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं 2 चम्मच के आसपास मैंने डाला है, और इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें देखिए मैंने धनिया और ये हरी वाली मिर्ची कटवट करके डाल दिया है, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर हम इस तरीके से प्लेट में ले लेंगे ताकि जो बॉल्स बनाएंगे उसके ऊपर इसको बाइंड कर सके। उसके बाद हम इसको फ्राई कर देंगे। पहले मैं 4 कोफ्ते बना के फ्राई करके देख लेती हूँ कहीं ये तेल में खुल तो नहीं रहे, क्योंकि जब भी आप इस तरह की चीज़ बनाओ ये बहुत डर रहता है कि तेल में खुल ना जाए। तो ये देखिए 4 कोफ्ते मैं बना के फ्राई की, पर इसमें ऐसे खुलने जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, आराम से फ्राई हो गया। तो इसके बाद अब 4 कोफ्ते बना के फ्राई कर लिया मैंने, और अब साथ ही साथ ना अगली कढ़ाई में मैंने ग्रेवी की भी प्रिपरेशन शुरू कर दी क्योंकि काफ़ी देर हो रहा है। तो ग्रेवी के लिए मैं रखी हूँ प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डाल दी है, टमाटर डाल देंगे। तो ये जो पनीर वाली जो ग्रेवी बनाते हैं ना वही सेम ग्रेवी बनाएंगे, पर कोशिश करेंगे कि इसके कलर को वाइट मेंटेन करें,
इसलिए इसमें हल्दी ऐड नहीं किया था मैंने। तो इस तरह से इसको फ्राई करके पकाने के बाद, ये देखिए इसको पीस लिया, पीस के छानने के बाद ये कुछ इस तरह की ग्रेवी बन के रेडी हुई है। तो किचन के बाद अब बारी आ गई है पूजा की तैयारी करने की। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो जो करवा माता वाला फ़ोटो है वो कैसे लगाएं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ना एक बैकग्राउंड सा क्रिएट कर दिया है, जिसपे एक बोर्ड है जिसपे मैंने चुनरी प्रिंट का एक चुनरी लगा दिया है, बांधनी प्रिंट का चुनरी लगा दिया, और उसके आगे मैं अपनी चौकी लगा दूँगी और इसी तरीके से सब कुछ इस पर रख लूँगी। बाद में बदल दिया क्योंकि इससे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, बाद में थोड़ा और फैंसी वाला कवर लगा दिया। और एक चीज़ क्या थी कि मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल प्लेन मिट्टी का करवा लेके आई थी, तो मैं सोची थी कि इसको मैं पेंट कर लूँगी, पर वो मिट्टी का था ना तो मैंने उसको लाते ही छुपा दिया था, पर छुपाया तो वो ऐसा छुपा दिया कि मैं ही भूल गई, मतलब अगस्त्य से छुपाया था, उसके बाद वो सामने आया नहीं तो मैं पेंट करना भी भूल गई। फिर मैं वही देख रही थी कि अगर अभी ज़रा सा भी टाइम हो तो मैं उसको भी पेंट कर देती हूँ। तो जी किचन में जितना कुछ कर सकते थे कर लिया है, कोफ्ते अभी आधे रेडी हो गए हैं, अब मैं आ गई हूँ तैयार होने, पूजा की भी तैयारी कर ली लगभग, अब मेरे को तैयार होना है और बस फिर कथा करूँगी। कथा करने के बाद चांद की पूजा करने संडे भाभी के यहाँ जाएंगे, क्योंकि वहीं पे सब इकट्ठा हो रहे हैं तो अच्छा लगेगा वहीं पे। और बस तो फिर चलिए फटाक से मैं तैयार होकर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि देर हो रही है। ये पूरा रेड था ना, तो मैंने जो सेट मंगाया है उसमें हल्का हल्का ग्रीन है, ठीक है, और जो चूड़ियाँ भी पहनूंगी उसमें ग्रीन डाल लूँगी, वाइट क्रीम और ग्रीन, बस हो गया। और तो इसके अलावा जो भी कुछ पहनना था पहले ही पहन चुके हैं। तो ये है मेरा आज का करवा चौथ लुक, पूरा रेड रेड ये रखा है जानबूझ के, ताकि कुछ ऐसा करवा चौथ अलग सा वाइब सा है। भूख नहीं लग रही, प्यास लग रही, तो 8 बज गया तब तक अभी तो फोटोशूट में लगी हो। हाँ तो बताओ, बोलो बोलो। चलो पूजा कर लें, फिर रास्ते को उधर से डिस्ट्रैक्ट करेंगे मोबाइल। करवा चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं सुहागवरम कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक है। इस प्रकार चिंता करने करके श्री कृष्ण से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय, महान के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके, तो जी हमारी घर की पूजा हो गई है, उसके बाद हम जा रहे हैं संध्या भाभी के यहाँ चांद वाली पूजा करने। ओ बाबा ये क्या था? पंचानन राजे बाबा, पंचानन राजे।
वैसे किसी का चीज बेकार करने में तुमको कितना अच्छा लगता है। देखो हाथ कैसा हुआ है, हाथ कैसा हुआ है। चलो यहाँ से, ठंडी लग रही है। मैं सिर्फ करवा चौथ का ही चांद देखी। चंद्रकला इसी। तो जी पूजा हमारी कंप्लीट हो गई, बहुत अच्छे से पूजा हो गई, घर वाली भी और चांद वाली भी। अब बस अभी अभी घर आए हैं, अब सबसे पहले तो ड्रेस चेंज करेंगे, उसके बाद डिनर करने बैठेंगे, क्योंकि इस ड्रेस में अब और कुछ भी नहीं किया जा सकता। आ जाओ। तो ये हमारा पूरा डिनर सेटअप रेडी हो गया, अब बस खाएंगे। इसमें है ये मलाई कोफ्ते, आलू गोभी की सूखी सब्जी, रोटी, मूंग दाल का हलवा, चावल, दैट्स इट। और कुछ चाहिए आपको तो बताओ।